और ये ट्रैक पर चल रही है ट्रैक पर चल रही है और सीरीज ऑफ़ वेगन्स को खींच रही है ठीक है सीरीज ऑफ वेगन्स को खींच रही है मतलब तो बहुत सारे अलग अलग वेगन्स है मतलब अलग अलग डब्बे हैं ठीक है और उन डब्बों को ये ट्रेन की इंजन या फिर लोकोमोटिव खींच रही है ठीक है अलग अलग डब्बे के अलग अलग पहिए हैं ठीक है तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है ठीक है इस तरह की सिचुएशन में हमें बताना है कि इस सिचुएशन की कौन सी एनालिसिस हमारे पास सही है ऑप्शंस में ठीक है हमारे पास ऑप्शंस है पहला ऑप्शन क्या है कि द ट्रेन मूव फॉरवर्ड बिकॉज द लोकोमोटिव पुल्स फॉरवर्ड साइड हार्डर ऑन द वैगन देन द वैगन पुल्स बैकवर्ड ऑन द लोकोमोटिव ठीक है तो ये जो वैगन्स है इतने सारे वैगन्स है ये क्या कह रहा है ऑप्शन कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है इस ये ऑप्शन जो है कहना चाहता है कि ये जो इंजन है ये अगर इंजन है तो ये वैगनस को ज़्यादा फोर्स से खींच रही है इन कंपैरिजन टू वैगन जितने फोर्स से ई को खींच रहा है ठीक है इंजन को खींच रहा है इसका मतलब क्या है ये कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएसन है कि ये जो जितने फोर्स से एफ मतलब इंजन जितने फोर्स से वैगन को खींच रही है उसके उससे कम फोर्स से वैगन इंजन को खींच रहा है इसका मतलब ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ठीक है कॉन्ट्राडिक्टिंग सिचुएसन है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं जाग रहा है ठीक है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को कॉन्ट्राडिक्टिंग थर्ड लॉ ठीक है तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है वो गलत है क्योंकि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को कॉन्ट्राडिक कर रहा है हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होता है पेयर में होता है और इक्वल होता है इक्वल एंड ऑपोजिट होता है यहाँ पे ये जो इंजन जितना फोर्स वेगन्स पे लगाएगा वेगन्स भी उतना फोर्स इंजन पे लगाएगी और ये जो मूवमेंट होगी अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट फ्रिक्शन की वजह हो से होती है जो लोकोमोटिव इंजन जो होती है वो वैगन्स पे फोर्स लगाती है और ये वेगन्स को खींचने में फोर्स लगाती है जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन आता है ठीक है और ग्राउंड की वजह से जो फ्रिक्शन आता है वो बॉडी को मूव कराता है आगे की तरफ तो हमारा जो मूवमेंट का रीजन होता है वो मूवमेंट का रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड फ्रिक्शन होता है ठीक है फॉरवर्ड फ्रिक्शन की वजह से लोकोमोटिव जो रहती है वे को खींच पाती है ठीक है फॉरवर्ड फ्रिक्शन हमारा फॉरवर्ड फ्रिक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है बैकवर्ड फ्रिक्शन से तब जाके हमारा जो होता है हमारा वेगन्स मूव करता है इंजन के फोर्स की वजह से तो हमारा ऑप्शन बी जो है अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है बिकॉज एक्शन एक्शन ऑलवेज इक्वल्स रिएक्शन द लोकोमोटिव कैन नॉट पुल द वेगन्स द वेगन्स पुल द बैकवर्ड जस्ट एज हार्ड लोकोमोटिव पुल फॉरवर्ड देर इज नो मोशन ठीक है हमारे यहाँ तक तो सही है कि अगर एक्शन रिएक्शन हमारा इक्वल है वेगन वेगन इक्वल फोर्स से खींच रहा है जितने फोर्स से इंजन वेगन को खींच रहा है ठीक है यहाँ तक सही है लेकिन देर इज नो मोशन ये टर्म गलत है ठीक है ये स्टेटमेंट गलत है कि देर इज नो मोशन मोशन होगा मोशन हमारा हमने अभी भी बताया कि फ्रिक्शन की वजह से होगा फिर फॉरवर्ड फ्रिक्शन जो होती है वो बैकवर्ड फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है तब बॉडी मूव करती है तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी गलत है ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी कह रहा है कि लोकोमोटिव फोर्स ऑन लोकोमोटिव फोर्स ऑन वेगन इज स्ट्रॉन्ग एज फोर्स स्ट्रॉग एज द फोर्स ऑफ वेगन ऑन द लोकोमेटिव ठीक है मतलब क्या है कि इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है ये सही कह रहा है ठीक है उसके बाद बट द फ्रिक्सन फोर्स ऑन लोकोमेटिव इज फॉरवर्ड एंड लार्ज वैन द बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द वेगन इज स्मॉल तो ठीक है जैसा कि मैंने कहा कि फॉरवर्ड फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है जब इंजन पूर करने लगता है तब जाके जो वैगन्स होती है वो खींचने खींचने लगती है तो हमारा जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही कह रहा है कि लोकोमोटिव फोर्स और वैगन के आपस में एक्शन रिएक्शन फोर्स बनता है और जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो जब ज़्यादा हो जाती है मतलब लोकोमोटिव फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स होती है फॉरवर्ड फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स से तब वैगन्स मूव करने लगती है ठीक है तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है और ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी की अगर बात करें तो उसमें लिखा है द लोकोमोटिव कैन पुल द वेगन फॉरवर्ड ऑनली इफ़ इट वेट्स मोर देन वेगन तो ये भी गलत स्टेटमेंट है अगर इंजन का इंजन का वेट ऑब्वियसली कम ही होता है वेगनस के वेट से बट इंजन फोर्स लगाती है ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन को फ्रिक्शन को फ्रिक्शन के बैरियर को पार कर पाता है फॉरवर्ड फ्रिक्शन जिसकी वजह से वो मूव करता है ठीक है तो ये कोई ज़रूरी स्टेटमेंट नहीं है कि, कि इंजन का वेट ज़्यादा होना चाहिए ठीक है तो ऑप्शन डी जो हमारा है ऑप्शन डी भी हमारा गलत जवाब है ओके क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर